हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे थैंक गॉड मास महाराजा की मूवी अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके अंदर पूरा का पूरा मिर्च मसाला और भरा हुआ है नूरा फतेह। दोस्तों, आज के तारीख में देखा जाए तो जब नूरा फतेह जो है जब नाचती है ना मछली के जैसा, तो मुझे जो है पुराना जो है पद्मा खन्ना, हेलन और जो कि बिंदु, वो टाइम पे मतलब ये लोग ऐसे आइटम सॉन्ग नाचते थे, बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, अब जो है नूरा फतेह जो है वो कमर संभाल लिए हैं और ये जब डांस करती है ना तो पब्लिक उन्हें देखती रह जाती। दोस्तों, मानिके एक गाने का बोल है और ये गाना जो है 3 मिनट 1 सेकंड और इसके अंदर पूरा जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में ये गाना हो रहा है और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है उसको देख रहे हैं, फिर उनके साथ जो है फिर साथ में गाते हैं और अजय देवगन जो है लंबे से देखते हैं। एक सीन में बताया गया है जैसे बीच में जब कुछ आया था टेलर आया था तो हम लोग टेलर में बोले थे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा मरे नहीं हो, तुम बीच में हो ना ऊपर ना नीचे, बोलते हैं ना अजय देवगन बीच में लटके हुए, तो वो लग रहा है वो स्वर्ग में गाना है और वही लटके रहते। ये गाना जो है स्वर्ग की परी लग रहा है, ये नूरा फतेह बनी हुई है और ये गाना जो है एकदम मस्त वाइट ड्रेस में और मछली की तरह नाच रही। अरे क्या मतलब, मानना पड़ेगा ये लड़की जो है ना जब से आई है ना मतलब हर एक मूवी में जान डाल रही है। तो दोस्तों, ये आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा है, मानिके सॉन्ग का नाम है और दोस्तों ज़बरदस्त ये इसका जो भी है ये जो है नहीं कुछ हो तो गाना जो है अच्छा है और गाना जो इतना अच्छा लग रहा है कि मूवी में और भी पब्लिक को अच्छा लग गया। तो दोस्तों, इस गाने को मैं देता हूँ पूरे के पूरे 4 स्टार और दोस्तों गाना जो है आइटम सॉन्ग है सबको पसंद आएगा और नूरा फतेह को तो है सब लोग चाहते ही हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही, मैं यही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखने के बाद जो है इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।